आजम खान का अजब ज्ञान, रेप पर दिया विवादित बयान, मोबाइल की वजह से हो रहे बलात्कार, क्या जिम्मेदारी से भाग रही है सरकार? जी हां, आजम खान ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मोबाइल फोन की वजह से देश में रेप की घटनाएं हो रही हैं। आजम खान ने कहा कि इस सब के लिए किसको सजा दी जाए। इसको क्या सजा दे रहे हैं, इसके गुनाह की क्या सजा है? क्यों होते हैं बलात्कार, क्यों हो रहे हैं बलात्कार? भले ये शर्म और सोच का विषय हो, लेकिन सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने इसके कारणों की खोज कर ली है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर रहने वाले आजम खान ने देश में हो रहे रेप की घटनाओं के लिए मोबाइल फोन को ठहराया जिम्मेदार। खान साहब की माने तो गांव की गलियों से लेकर शहरों तक सितम कर रहा है ये मोबाइल फोन। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से हो रहे हैं बच्चियों से भी बलात्कार। इसलिए आजम खान का कहना है कि इसकी सजा किसको दी जाए। इसको क्या सजा दे रहे हैं, इसके गुनाह की क्या सजा है? और इन्हीं को देख देख कर पूरी नौजवान पीढ़ी हमारी, बल्कि वो जवान जो अभी नौजवान भी नहीं हुए हैं, उनसे जो पाप हो रहा है उससे बहुत बुरा समाज पैदा हुआ है। बहरहाल वैसे तो कोई कमी नहीं है सपा में बलात्कार पर बयान देने वालों की। जब जिसका मन करता है वो अपने अरमानों को हवा में लहरा देता है, लेकिन बलात्कार पर आजम का अजब ज्ञान सवाल ही खड़े करता है कि क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सवाल ये कि क्या बलात्कार का कारण इंटरनेट है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वकार साहब, अगर आजम खान की बात को सही माने, आजम खान कह रहे हैं कि मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए युवा पता नहीं क्या क्या देखते हैं और बिगड़ रहे हैं, तो फ्री वाईफाई की सुविधा आप दे रहे हैं, साथ में लैपटॉप भी दे रहे हैं, तो क्या आप युवाओं को बिगाड़ रहे हैं? देखिए, अब आप अपना आरोप अपने स्तर से, आरोप नहीं, सवाल पूछा है आपसे, लेकिन क्या लगाया मैंने शुरू में? नहीं, सच्चाई जो है, नाराज मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए, सच्चाई जो है वो ये है कि इंटरनेट दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, अच्छाई में भी इस्तेमाल होता है, बुराई में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल जो इसका इस्तेमाल ज्यादातर मैं देख रहा हूं मोबाइल वगैरह के ऊपर, सच्चाई यही है कि लोग कुछ गलत तरीके की फिल्म्स वगैरह देखने में या गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमिताभ जी, मेरे पास जो नंबर है आप भेजिएगा तो मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा। मैं तो किसी वकील से मिलकर एक रिट दाखिल करने जा रहा था, उन कंपनियों के ऊपर अक्सर मैसेज आते हैं, शायद हो सकता हो आपके फोन पर भी आते हो या बाकी लोगों पर आते होंगे, कि कभी मैसेज आता है वो किसी लड़कियों का नाम लिखा होता है, मैं घर में अकेली हूं, इतने रुपए मिनट में मुझसे बात कीजिए। कभी आता है फला फला एक पॉर्न एक्ट्रेस का, वो आता है मैसेज, इसके वीडियो देख लीजिए और इसके फोटो डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ जो अकलमंद और उम्रदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो इससे बहकावे में नहीं आते हैं, लेकिन जो नौजवान बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। बस ठीक बात, अब मैं समझ गया, आपने उस बात को इंडोर्स किया जो आजम साहब ने बोले। यहाँ पर मैं दो बात कहूंगा, एक, हिंदुस्तान में असीम भाई से लेके बाकी सारे साथियों के ध्यान के लिए, हिंदुस्तान में जब इंटरनेट आया उससे 15 बरस पहले अमेरिका में इंटरनेट चल चुका था और वहां 100% इंटरनेट की उपलब्धता, सभी कुछ वाईफाई है वहां। तो ब्रिटेन में यही हाल है, फ्रांस में यही हाल है, जापान में यही हाल है, तो वहां तो हर मिनट रेप के अलावा कुछ काम ही नहीं होना चाहिए, वहां तो ऐसा नहीं हो रहा कभी हमारे, एक चीज, एक चीज। और दूसरी चीज मैं कहूंगा चंद्रमोहन जी, एक वो थे मंत्री दर्जा प्राप्त, उन्होंने अपने पार्टी के लड़की से कहा, महिला से कहा कि अब की आना तो चूजे लाना। उसने कहा दद्दा चूजे कैसे? बोले तुम पागल हो, 16-17 साल लड़की लाओ, वो चूजे होती है, वो तो कभी जिंदगी में मोबाइल इंटरनेट देखे नहीं। लैंडलाइन वाले थे वो भी चूजे मांग रहे थे, 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इसमें इंटरनेट का मामला है चंद्रमोहन जी? ये अमिताभ जी और गायत्री जी यहाँ हैं, आजम खान जी का बयान मुलायम सिंह यादव जी के बयान का विस्तार है, ये समाजवादी पार्टी की सोच को उजागर करता है। जो उसके प्रतिनिधि यहाँ असीम बकार जी बैठे हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है, मुलायम सिंह जी ने भी कहा
लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, फिर गैंगरेप के बारे में भी बोला और बीच में जो जो सारी बातें हैं वो हम और आप जरा एक बार खट्टर जी के बयान पर आप अपना रोशनी डाल दीजिएगा। और जो मध्य प्रदेश में आपके गृह मंत्री बाबूलाल गौर जी ने बयान दिया है जी ने क्या बोला जरा एक बार खट्टर जी ने क्या बोला कपड़े जिम्मेदार है बलात्कार के लिए बोला लड़के की बात कर रहे हैं आप कपड़े जिम्मेदार है बलात्कार के लिए अरे आप कैसी बात बोल रहे हैं राष्ट्रीय नेता नहीं हो जो प्रदेश की बात करूंगा उत्तर प्रदेश नेता आप ही नहीं है भाई आप कब कह रहे हैं राष्ट्रीय बात उत्तर प्रदेश की बात आप हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय है नहीं आप राष्ट्रीय नहीं है आप हमारे राष्ट्रीय आप हमारे समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है आप ऐसे घर से पंकज तिवारी मुझे ये बताओ जो बातें दो महीने के वो तो फिर झगड़े में बात चलेगी अमेरिका में तो हर सेकंड कई हजार बलात्कार ही होने चाहिए क्योंकि वहां तो इंटरनेट 100 out of 100 रीच है ठीक और हमारे सुन लो हमारे यहां 2G ठीक से नहीं चल रहा अभी सुन लेना मेरी बात वहां 6G फर्राटे से चल रहा है क्या पूरी फिल्म उंगली दबाते ही डाउनलोड हो जाए ना हैंग हो रहा ना कुछ हैंग हो रहा ठीक अमेरिका में वहां तो बलात्कार अगर आजम साहब की थ्योरी लागू होती तो हर विकसित राष्ट्र में केवल बलात्कार हो रहा होता और जो बिल्कुल गए गुजरे राष्ट्र है वो बलात्कार से बिल्कुल फ्री होते पंकज तिवारी जो टेक्निकली बिल्कुल पिछड़े अमिताभ जी ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का कौन सा सामाजिक ज्ञान है ये वैज्ञानिक ज्ञान है सामाजिक नहीं नहीं सरकार को अगर चले जो भी ज्ञान है पता नहीं इनके पास ये ज्ञान कहां से आया है कि आज की दुनिया में लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट और टीवी और इन सब के माध्यम से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि मोबाइल तो आजम खां को सबसे पहले कहना चाहिए पहले अपने घर से सारे टीवी और मोबाइल हटा देने चाहिए अमिताभ जी और उसके बाद एक मीटिंग बुलानी चाहिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और एक आह्वान करना चाहिए कि अपने घरों से टीवी और मोबाइल का यूज हटा दो तो फ्री वाईफाई भी बंद करें जो अभी हजरतगंज में दिए मुख्यमंत्री जो भी उन्होंने दिया जब मोबाइल पंकज मुख्यमंत्री जी ने तो पार्टी के कई ऐप बनवाए अभी मोबाइल के लिए यही तो मैं कह रहा हूँ तब क्या होगा आप गलत दिशा में जा रहे हैं आप तो बुरा रहे हैं जा रहे हैं दूसरी तरफ आप अपने सामाजिक आज सरकार कोई है सरकार के इससे पता लग रहा है आप बहस गलत दिशा में लगे जा रहे हैं इस तरह दिशा में बहस मुन्ना जी से बात कर लेते मुन्ना जी क्या मोबाइल और इंटरनेट का रेप से कोई रिश्ता है एक चीज अच्छा जब उत्तर प्रदेश में मोबाइल की कनेक्टिविटी कम थी है ना तब क्या रेप मुक्त प्रदेश था देखिए ये आजम खान जी का पिछले जितने उनके बयान हैं उनको देखें उत्तर प्रदेश की सरकार और सरकार के मुखिया अखिलेश यादव जो भी निर्णय लेते हैं उसके उल्टा ये बोलते हैं पहले जब दादरी की घटना हुई उसमें पूरा विश्व वहाँ के प्रशासन की निंदा कर रहा था कि पुलिस प्रशासन ने इसको रोका नहीं और ये अपने उत्तर प्रदेश की सरकार और अपने प्रशासन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ जा रहे थे वहाँ भी अपनी सरकार की ही निंदा कर रहे थे अपने सरकार के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जा रहे थे और अब जब उनके मुख्यमंत्री लैपटॉप बांट रहे हैं फ्री में इंटरनेट सुविधा दे रहे हैं तो उसके खिलाफ भी कह रहे हैं कि वो रेप को बढ़ावा दे रहा है इसका मतलब कि मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है उसके कारण रेप बढ़ रहा है ये तो सीधा सीधा हमला मुख्यमंत्री और सरकार के निर्णय पर है मैं तो ये कहता हूँ कि आजम खान की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में अगर इंटरनेट और मोबाइल के कारण रेप की घटनाएं बढ़ रही है तो उस पर ये रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं उस पर रोक लगा दें ठीक है रोक लगाना चाहिए बकार भाई अगर ये बात उनके उनको लगता है कि ये बात ठीक है तो कम से कम बाकी जो करें करें आप तो मत बांटो ऐसी गंदी डिवाइस जिससे बकौल आजम साहब
ये पाप बढ़ रहा है, कम से कम उसमें आपकी सरकार तो अपने हाथ नहीं गंदे करे बकार भाई, जो अपने पैसे से खरीद ले, लेकिन आप पर आग तो नहीं बांटो फिर। नहीं देखिए, मैं आपसे शुरू में भी मैंने एक बात कही, दोबारा फिर कह दे रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा, इस्तेमाल अलग अलग तरीका हो सकता है, कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद सही चीज का सही इस्तेमाल करती है। तो 2, 4, 10, 15, 20, 50 लोगों के लिए अगर कोई गलती वो कर रहे हैं या गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी की घटना बहुत बढ़ रही है, बहुत ग्राफ बढ़ रहा है, आप समझिए, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। 20-22 करोड़ की आबादी को कुछ लोगों की गलती की वजह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो इंटरनेट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरनेट को बढ़ावा दिया है, क्योंकि तरक्की तभी संभव है जब हम दुनिया के साथ चलेंगे, इंटरनेट को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ लोग इसमें नाजायज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो बताइए कि मुख्यमंत्री सही है कि आजम खान सही है? हाँ, ये बात तो है। दोनों में से किनका निर्णय सही है? मुन्ना जी, आपकी सोच गलत है। नहीं, लैपटॉप की लैपटॉप देखिए, लैपटॉप बात में सही है, नजरिया गलत है, लैपटॉप बात में सही है, तरीका नहीं आता है। पूरे देश को आजम खान उठाना सही है, आपको सोचना बताइए तो आपको सही है, आपकी बात सही है। भैया मैंने आपसे कहा ना, हमारी नहीं है कुछ करना, आपकी सरकार लैपटॉप पर आई है, मुक्ति बांटने के कारण आपकी सरकार आई है। जो जो विश्वविद्यालय आजम खान बना रहे हैं, जो आजाद सरकार बनी है, तो आप इस तरह की बात कभी ना करते। ठीक मुन्ना भाई, आपको सोचने की क्षमता आगे 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 पंकज तिवारी, चूंकि आजम साहब पुराने राजनेता हैं, कोई नौसिखिया लड़के तो हैं, तपे तपाई नेता है, तो जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में तो फिर ये प्रतिबंधित होना चाहिए, बाकी में हो नहीं हो चलो जहां उनकी हुकूमत है वहां तो प्रतिबंधित कर दे कि इंटरनेट वाला कोई डिवाइस लेके कोई एंट्री नहीं लेगा। पंकज जी, बिल्कुल यही शुरुआत क्यों नहीं? जौहर विश्वविद्यालय में और अपने घर में सबसे पहले आजम खान जी को अपना मोबाइल फेंक देना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने घर से, जो हर कमरे में, मैं उनके घर भी गया हूं अमिताभ जी, हर घर में मैं टीवी लगा है उसको तोड़ देना चाहिए, जौहर विश्वविद्यालय के में जो कंप्यूटर लगे हैं उनका कनेक्शन काट दे। आप आजम साहब क्या करने गए थे? आदर्श आप आजम साहब क्या करने गए थे भाई? आप तो कांग्रेस के लोग हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर घर के कमरे घर हर कमरे में आजम को आपके घर का घेराव किए थे कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, अंदर जाके घर में जो बयान दिया था इसलिए घेराव किए थे, उनके घर तक पहुंचे थे घेराव करके, आप चेक कर रहे थे घर में, बाहर ही ड्राइंग रूम तक पहुंचो, टीवी लगे, वो घर के अंदर की स्थिति कैसे पता है? नहीं हमको पता हो जाती है सर, जो बाहर जी ठीक है डॉक्टर चंदन, अगर वकार भाई कह रहे हैं कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और गलत कम हो रहा है, लेकिन प्रदेश में तो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और कारण रेप के पीछे इंटरनेट है, इसका मतलब रेप की घटनाएं बढ़ रही तो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल गलत हो रहा है, तो ऐसे में तो सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश से देखिए एनसीआरपी उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी ने अपना आंकड़ा दिया है वो मध्य प्रदेश राजस्थान कैसी बातें करते रहते हैं, कम क्यों हो रहे हैं? भारतीय हरियाणा भारतीय शासित प्रदेशों में ज्यादा हो रहा है, जनता पार्टी शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी, देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश, ये जो आजम खान जी हैं, इनका केवल एक ही एजेंडा है, क्योंकि ये अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, ये इनको हर बात में उनको चैलेंज करना है, उनकी फजीहत करनी है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं करते हैं। ये कोई बात होगी यूएनओ जाकर की बात करेंगे,
और इनका कोई ना कोई छिपा एजेंडा रहता है। जैसे अमिताभ जी कह रहे थे ये मजे मजाए व्यक्ति हैं, इनको तो अपने एजेंडा चलना है। आप आज बताओ कि ये खूब मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं, जब राज्यसभा भेजना होता है तो जिद किसके लिए करते हैं, मेरी पत्नी को राज्यसभा भेजो आप। ये इनका, ये इनके दृष्टिकोण का प्रगतिकरण है। मंत्रालयों में इनके मंत्रालय की उपलब्धि के बारे में इन्होंने आज तक नहीं बोला कि नगर विकास मंत्री के नाते हमने ये काम किए, आज तक कोई बात नहीं इन्होंने कही है। ना कहीं नगर विकास के मामले को कहीं देखा है इन्होंने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये केवल और केवल अखिलेश यादव पर सब, अखिलेश यादव क्योंकि खुद को प्रस्तुत करते हैं, आधुनिक युग के युवा हैं, आधुनिक युग के प्रस्तुत करेंगे कि मैं गजट्स प्रयोग करता हूं। अमिताभ जी आपने कहा कि एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और ये उस पर काउंटर खड़ा कर रहे हैं। अरे ये आप बताओ, आज के दौर में जहां अपराध बढ़ रहा है तो तकनीकी का प्रयोग अपराध को रोकने में होना चाहिए या उसका हुआ दिखाना चाहिए? ये इनकी सोच को उजागर करता है, जो सोच इनके दिलो दिमाग में और जहन में बैठी हुई है। ये रामपुर में भैंस चोरी होती है वो भी क्यों हो जाती है, उसकी प्रेरणा भी मोबाइल देता है क्या? जी ठीक है। और जौहर विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की और एनकेएन प्रकरण जिसके ये चांसलर बन गए, उस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, वो कौन सी सदी में ले जाएगा वो विश्वविद्यालय? जो बात डॉक्टर चंद्रमोहन ने की, अन्ना शर्मा जी, और एक मिनट गायत्री जी, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं आजम खान जी, मांग कर रहे हैं एएमयू के बारे में, मांग कर एएमयू में इंटरनेट नहीं होना चाहिए। जी मुन्ना कुमार शर्मा जी, प्रदेश में रेप की वारदातें बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या ये शासन प्रशासन की नाकामी छुपाने की कोशिश है आजम साहब की, या फिर सरकारी योजनाओं पर मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करने की कोशिश है? देखिए इसमें दोनों बात है। एक बात तो है कि मुख्यमंत्री की जितनी योजनाएं आती है उसके खिलाफ में ये बोलते हैं और मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने अपनी कमियों को छिपाने का काम किया है। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है तो उसका ठेकरा अपने प्रशासन पर देने के अलावा ये उसका ठेकरा इंटरनेट और मोबाइल पर दे रहे हैं जी। इनका प्रशासन फेल हुआ है, ऐसी घटनाओं को रोक नहीं पा रहा, इसलिए ध्यान बटाने के लिए इस तरह का ये वक्तव्य देते हैं। इनको अपने प्रशासन को मुन्ना जी करना चाहिए। ऐसी घटनाओं को बढ़ा रहा है, इनके वक्तव्य ज्यादा बढ़ा रही है ऐसी घटनाएं, जो बलात्कारी है उसका मनोबल बढ़ा रहा है। इनको पुलिस प्रशासन पर कड़ाई करनी चाहिए, परंतु ऐसा स्टेटमेंट दे करके ये बलात्कारियों के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है मुन्ना जी, बस अमिताभ जी से बात करनी पड़ी। दो बातें इसमें बड़ी अच्छी निकल कर आई बहस में। बकार भाई, ऐसे बयान देने से क्यों बचना चाहिए मालूम? इसको गंभीरता से आप समझो, इसलिए बचना चाहिए ऐसे बयानात। इनका कोई मतलब नहीं बयानों का, क्योंकि तो बेसे पैर की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं। कोई विवेकशील आदमी इस पर हंस सकता है और क्या बोलेगा। हमने तो आधा घंटा तब भी चर्चा कर ली, वरना ये विषय तो हंसने लायक था। लेकिन इससे एक खतरा पैदा होता है, बलात्कार करने वाला अपने को अपराध मुक्त मानता है। वो कहता आजम साहब ने कहा कि तो इसकी फोन की देन है, मेरा थोड़ी ना कुछ इसमें है, फोन की माया है। एक 10 रुपया में रिचार्ज कराया, बलात्कार कर लिया और बोली चुके खान साहब के तो फोन है। दूसरा, जिस दरोगा से लेकर डीजीपी तक की हमने ड्यूटी लगाई है अपराध रोकने में, वो भी अपनी पीठ से खुद ठोक लेते। देखो ऐसे कहते हमारा कोई इसमें भूमिका थोड़ी ना है, ये तो इंटरनेट खेल रहा है, इंटरनेट का खेला है। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। सत्ता के हाथ में तो राजदंड होना चाहिए। आप उनको बच निकलने का रास्ता दे रहे हैं, पुलिस के कर्मचारियों को। इससे बचना चाहिए, इस बात का कोई अर्थ है आज के प्रगतिशील समाज में? नहीं होना चाहिए ना। और ऐसे ऐसे लोग इस हीनियस क्राइम में लगे हुए हैं जो नेट फ्रेंडली नहीं है, उनका क्या करेंगे? जो रिमोट में गांव में खेड़े में जो बलात्कार हो रहे हैं वो लोग तो नेट फ्रेंडली नहीं है। वहां तो 2G 3G नहीं चलता, वहां ऐसी परिस्थिति कैसे निर्मित हो रही, देखना पड़ेगा। सिर्फ बोलने के लिए कोई चीज नहीं बोलनी चाहिए। और अगर आप इतने गंभीर हैं तो छोड़िए मध्य प्रदेश से लेके और हॉलैंड तक, सब छोड़ो। जहां अपनी सत्ता नहीं वहां पर क्या विचार करना, ये व्यवहारिक सत्य। आपकी सत्ता है
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर, वहां तो फिर स्थापना कर दो इंटरनेट, जैसे इन्होंने चंद्रमोहन जी की पार्टी ने कहा कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत, आप नया नारा दो इंटरनेट मुक्त उत्तर प्रदेश, नया स्लोगन बना दो इंटरनेट मुक्त उत्तर प्रदेश, बलात्कार मुक्त उत्तर प्रदेश, इस नारे पर आ जाओ। नहीं, आप दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे शायद आजम साहब, इसी के चलते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के नए नए प्रयोग और नई नई तकनीकों के चलते अपराधियों को पकड़ पाना जल्दी मुमकिन हुआ दुनिया भर में। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, अपराधी सर्वलांस पर आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, लोकेशन मिल जाती है, ये इसका फायदा नहीं। गांव गरीब लोगों के पंख लग गए बच्चों के इंटरनेट से, वो उसका फायदा नहीं क्या? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब मैं गांव में जाता हूं, देखता हूं किसी बच्चे को आम के पेड़ के नीचे वो लैपटॉप चलाते हुए, तो मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे लगता है कि देखो ये गांव का गरीब बच्चा भी लैपटॉप चला रहा है। फिर तो वो अवधारणा खंडित हो जाती है इनके बयान से। और वो मैकेनिज्म कैसे संभव है कि कोई अपने मोबाइल पर हनुमान चालीसा देख सुने या वो शीला की जवानी वाला गाना सुने, ये कौन तय करेगा आप बताओ? और कैसे तय होगी? इसमें क्या सोशल पुलिसिंग मंत्रीगण करेंगे? नहीं, मंत्रियों का काम है चुस्त दुरुस्त प्रशासन देना। कौन सी किताब पढ़े और किताब में कौन सा पन्ना पढ़े, कौन सा छोड़ दे, ये सरकारें तय नहीं कर सकती ना। इंटरनेट पर कौन आदमी क्या सर्च करे, कौन क्या नहीं सर्च करे, ये सरकारें कैसे तय कर सकती हैं? और मैं आज साहब सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसको क्या सजा देंगे, आप बताइए इस इंटरनेट को क्या सजा देंगे, मोबाइल को, मोबाइल को क्या सजा दी जा सकती है, आप ही बता दो। एक ही सजा हो सकती है, आप राजाज्ञा निकाल दो कि भाई उत्तर प्रदेश में अलाउ नहीं करेंगे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अंग्रेजी में कहावत है, ऐसा पुण्यकार सबसे पहले अपने घर से करो, अपने दफ्तर से, पार्टी से, सचिवालय से। क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार है? नहीं ना। मुझे जो जानकारी है समाजवादी पार्टी की 2017 के चुनाव की, उसमें तो वो तकनीक का और व्यापक प्रयोग करने जा रही है, आपको पता ही होगा, इसी इंटरनेट और इसी एप्स के बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग करेगी वो, उसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। तो आजम खान क्या आजम साहब उस टीम से भी दो दो हाथ करेंगे, कहेंगे ना तुम्हें मेरी कसम ये नहीं चलेगा, लैंडलाइन पर ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं ना। दुनिया भर में जब ये संदेश सुनते होंगे लोग बकार भाई, तो क्या तस्वीर बनाते होंगे? मैं व्यक्ति की आलोचना में नहीं पड़ रहा, मैं संस्था की बात कर रहा हूं। लोग क्या सोचते होंगे दुनिया भर में जब सुनते होंगे कि उत्तर प्रदेश का एक सीनियर मिनिस्टर क्या कह रहा है आज के टाइम में 2015 में? हम सब लोगों की का थोड़ा सा चेहरा झुकता है। अच्छी बात कही थी चंद्रमोहन जी ने, कही थी किसने कही थी कि अपने मंत्रालय पर चर्चा करिए, नगर विकास बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है और तमाम मंत्रालय हैं उनके पास, उनका रिपोर्ट बताइए, उन पर कुछ नए आइडियाज लाइए, कुछ नया विकास हो, कोई नई बात हो, नई पहल हो, एक नई रोशनी आए, आपके तजुर्बे का लाभ मिले सूबे को। वो तो मिल नहीं रहा, कहीं आप कहते हो कि लाओ मेरी सदरी लाओ, मैं यूएन जा रहा हूं, कहीं आप कहते हो इंटरनेट बंद कर दो, ऐसे चलेगा राजपाट? इस पर रेफरेंडम करा के देख लो। जिन नौजवानों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी बकार भाई पिछली बार, उसमें से एक आदमी राजी नहीं होगा इस बात पर, नहीं होगा ना, और जो कहेगा उसको मारेगा, और कोई मानेगा? अपने घर का बेटा तो, आजम साहब का बेटा तो मानेगा नहीं, आजम साहब कहीं सलाह तो प्रदेश में और कौन मानेगा? रेप जैसी जघन्य घटनाओं को, पाप को इतना हल्का मत करिए कि उनका दोष पुलिस और अपराधियों से हटके आपने तकनीक पर डाल दिया। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, इससे पुलिस और बेशरम हो जाएगी। हर दरोगा हंस के कहेगा चंद्रमोहन जाएंगे वहां रिपोर्ट लिखाने, पंकज जाएंगे, मुन्ना शर्मा जाएंगे, असीम वकार जाएंगे, दरोगा मालूम क्या कहेगा? अब हम क्या करें भाई, ये मोबाइल करवा रहा है, मंत्री जी बोल दिए, तब अच्छा नहीं लगेगा ना हमको सुनने में। इसलिए इन लोगों को रास्ता मत दीजिए, मुस्तैदी से शासन करिए, जनता को न्याय मिले, तकनीक का प्रयोग
न्याय दिलाने में करिए, तकनीक रोकने से नहीं रुकती और उसको रोकना प्रतिगामी कदम माना जाएगा, विकास का कदम नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुन्ना जी आपका, डॉक्टर चंदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका, वकार भाई आपका भी, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए।